सही है, चल रही है हमारी एक शूटिंग और दूसरा सेटअप आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ अतरंगी कार्यक्रम। और ये है अतरंगी कार्यक्रम की तैयारी। सो द थिंग इज, जब आप 14 घंटे से 15 घंटे आप डेली काम कर रहे होते हो, आपके पास जिम जाने की फुर्सत नहीं होती, आपकी बॉडी नहीं बनी हुई होती, बट ऐसे सीन आते हैं तो क्या किया जाए? यही किया जाए कि बस जितना कर सकते उतना किया जाए, इसीलिए ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चालू है। बाकी भाई लोगों की बॉडी देखो आप, सबकी बॉडी देखिए भाई, हमारे बॉडी वाले, ये तो पहलवान है ही हमारा, वो भी रेफरी की भी बॉडी है यार। कोई बात नहीं, अभी देखो अगले वाले बॉक्सिंग मैच में सबकी डांड बजाऊंगा। रजत ने बॉक्सिंग छोड़ दी वैसे। बॉडी है नहीं तो कटिंग थोड़ा देके और मजा आता है, और अगर बॉडी होती भी है तो भी कैमरा के लिए कटिंग दी जाती है ताकि ये वहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन के साथ दिखे। ये क्या है मिथिलेश? ये सिमर है सर, बॉडी हाइलाइट, बॉडी हाईलाइट करने के लिए सिमर। तो जितने भी आप हाईलाइटिंग देखते हो, बॉडी का एकदम शाइन करती हुई दिखती है स्क्रीन पे, वो इसीलिए दिखती है क्योंकि ये सब लोग ये यूज करते हैं मूवीज में, और थोड़ा सा अच्छे से यूज किया जाता है बहुत सारी और चीजें, बट अभी के लिए हम लोग शिमर यूज करें। शिमर शिमर लड़कियों को ज्यादा लगा था। यस देखा, लड़कियों वाली चीजें हम भी यूज कर रहे हैं आज। गाइड फिल्म देखी आपने? गाइड में देवानंद साहब जब लास्ट में अपने आप से बात कर रहे होते, उस सीन, मतलब उस वक्त कभी समझ में नहीं आता जब बचपन, उस टाइम पे समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज़ है, बाद में समझ में आया कि अच्छा दो मन होते हैं, एक अच्छा मन होता है एक बुरा मन होता है, और अच्छे मन की बुरे मन से बातचीत चलती है। ये भाई अपने यशोमती वाले ही है, थिंग इज हमारे सेटिंग दादा की वजह से हम लोग जो है रात में जाने में लेट होने वाले, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये लाइट्स, यहाँ से ये लाइट्स जल रही थी, अभी कुछ वायर शॉर्ट हो गया है और वायर शॉर्ट होने की वजह से ये लोग, मेरा प्लान था कि 10 बजे मैं निकल जाऊंगा, प्रॉमिस करके आया मैं, और ये फाइनली जल गई लाइट, वेरी नाइस। अभी ये बीच वाला निकल गया, अभी ये नहीं चल रहा है। बस कल की हमारी छुट्टी है तो कुछ पार्टी का प्लान था, बट ये लोग नहीं चाहते कि मैं पार्टी करूं।
मतलब 8:26 हो गए हैं और अभी भी 1.5 घंटे का काम बचा है। तो ये अभी अभी किया एक सीन जिसके अंदर मैं यानी कि मैं अपने ऑल्टर ईगो से बात कर रहा हूँ। वो ऑल्टर ईगो कैसे प्रकट होगा, कैसे वो दोनों एक फ्रेम में आएंगे, वो सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे ईगो को देख कैसा लगता है। अरे वो लड़की तो नादान ना समझ, पर तुमने तो दुनिया दी। क्या करोगे अब, क्या करोगे? लड़ूंगा मैं। तो ये आपने जो देखा अभी, ये था मेरा ऑल्टर ईगो। तो वो डबल रोल जो किया जाता है वो इसी तरह से कुछ क्रिएट किया जाता है। अभी तो बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता ही है इस बारे में। चलिए, तो हो गया है ऑल्टर ईगो का काम खत्म, मतलब कि वाइट ड्रेस का काम खत्म। तो इट इज वाइट ड्रेस मतलब मींस योर सोल, ब्लैक इज व्हाट इज योर इमोशन इज गोइंग ऑन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कलर। लेट्स गो एंड चेंज। जाएगा अपन फाइट करने। इसमें भी झोल है पता है क्या, ये देखो। अरे ये झोल छुप गया क्या? नहीं नहीं है, पहले से अच्छा हो गया। अरे अरे यार चलो स्टाइल मारते थोड़ी सी। लोग सब लोग देखो उसको। सुरेश भाई कितने बजे पैकअप कराने का इरादा है? 10 बजे भाई। 10 बजे प्रोमो भी है इसके बाद। प्रोमो तो 2 मिनट का काम। लाइट रेडी है अपनी? ये दोनों खड़े हुए हैं, कैमरा इधर, लाइट रेडी है। ये इनका फेवरेट डायलॉग है वैसे। और ये ब्लड पिलाते हुए हमारे मेकअप दादा, ऐसे खून निकलते हैं इनके, देखो। असली खून पी रहे हो तुम, खूनी दरिंदे। ये है खूनी दरिंदा, मैं भी बनूंगा थोड़ी देर। सांडी 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 ना गाँव के भाई लोगों ने मचा ली धूम। ओह माय गॉड, यस यस। सो द थिंग इज, इतनी एनर्जी लगती है ना सीन में कि समझ में नहीं आता इसके बाद क्या किया जाए। अभी तो मुझे इसके बाद प्रोमो शूट भी आ गया है, कुछ तो प्रोमो शूट करना है। और ये टाइम क्या हुआ है, ये 9:50 बजे, और मेरे को इरिटेशन हो रही क्योंकि 10 बजे पैकअप था। सो ब्लड का इफेक्ट देने के लिए एक कैप्सूल आता है जिसे मुंह में चबाना होता है और उसके साथ पानी को मिक्स करना होता है और मुंह में रखना होता है। पहली बार ये कैप्सूल इस्तेमाल कर रहा था इसलिए मुझे बहुत ही अनईजी लग रहा था और ज़्यादा पानी लेने की वजह से और गड़बड़ हो गई, इसीलिए उसे जाकर मुझे निकालना पड़ा। देखा उसने काउंट शुरू किया 10 9 8 7 6 देखा टाइम। अरे ये नहीं उठने वाला, आया था हराने के लिए, खुद ही ढेर हो गया। इसने बोला ढेर हुए क्योंकि आपने बेईमानी की है। लड़की तू मुझे सिखाएगी खेल के नियम? हाँ मिट्टी सी लड़की, तू मुझे सिखाएगी खेल के नियम? पिद्दी सी लड़की, पिद्दी सी लड़की, पिद्दी 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 पिद्दी। ऑर्डर।